चालू वित्त वर्ष में उर्वरक सब्सिडी पर केंद्र सरकार का बोझ और बढ़ सकता है, क्योंकि रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के कारण जिंसों के दाम ऊंचे बने हुए हैं। वित्त वर्ष 2022 में उर्वरक सब्सिडी बिल 79,530 करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया था, जिसे संशोधित कर 1.4 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया था। हालांकि इसमें 10,000 से 15,000 करोड़ रुपए का और इजाफा हो सकता है। एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि इस साल हमारा उर्वरक सब्सिडी का बोझ बढ़ेगा, हम इसमें 10,000 से 15,000 करोड़ रुपए या इससे अधिक बढ़ने का अनुमान लगा रहे हैं। वित्त वर्ष 2022 के संशोधित अनुमान उतने पर ही बना रहेगा और करीब 15,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी होने से राजकोषीय घाटे पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि संशोधित अनुमान सकल घरेलू उत्पादक का करीब 6.9% ही रहेगा। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को लेकर सबसे बड़ा मसला ये है कि सरकार 31 मार्च से पहले भारतीय जीवन बीमा निगम का IPO लाती है या नहीं। खबरों के मुताबिक अगले वित्त वर्ष में भी उर्वरक सब्सिडी बजट अनुमान से अधिक रह सकता है, क्योंकि जिंसों के दाम काफी बढ़ गए हैं। हालांकि नीति निर्माता अभी संशोधित आंकड़ा जारी करने के इच्छुक नहीं है। वित्त वर्ष 2022-23 में उर्वरक सब्सिडी का बोझ 1.05 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है। उक्त अधिकारी ने कहा कि वित्त और विनियोग विधेयक अभी लोकसभा में पारित नहीं हुआ है, ऐसे में तकनीकी रूप से बजट के आंकड़ों को बदला जा सकता है। हालांकि केवल एक आंकड़ों को ही नहीं बदलना होगा, बल्कि कुल व्यय सहित कई आंकड़ों में फेरबदल करना होगा। एक शख्स ने कहा कि स्थिति अनिश्चितता भरी है। यूरोप ने रूस के हाइड्रोकार्बन पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। हमें पता नहीं है कि जिंसों के दाम अगले 2 महीने, 6 महीने या 8 महीनों में कहां रहेंगे। वित्त वर्ष 2023 के बजट अनुमान में उर्वरक सब्सिडी को कम करके आंका गया है, जबकि यूरिया के दाम में लगातार तेजी देखी जा रही है और कच्चा तेल और गैस के दाम में वृद्धि से अन्य कच्चे माल जैसे कि फॉस्फेट और अमोनिया के दामों पर भी दबाव देखा जा सकता है। अधिकारियों ने पहले ही बता दिया था कि उर्वरक सब्सिडी के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत हो सकती है। अधिकारियों को उम्मीद है कि यूरिया के दाम में कुछ कमी आ सकती है, क्योंकि नवंबर 2021 से वैश्विक बाजारों में इसके दाम करीब 4% कम हुए हैं और DAP $900 प्रति टन के भाव पर बिक रहा है। रूस पोटाश का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसका इस्तेमाल DAP बनाने में किया जाता है। व्यापार से जुड़े बड़े सूत्रों का कहना है कि भारत के लिए गैस के दाम मौजूदा $16 प्रति MMBTU से बढ़कर $18 तक पहुंच सकते हैं। अनुमान के अनुसार गैस के दाम में $1 प्रति MMBTU की वृद्धि से यूरिया सब्सिडी की आवश्यकता 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए बढ़ सक जाती है। इसके अलावा इस बात की भी चर्चा है कि भारत रूस के उर्वरक निर्माताओं से DAP और NPK के लिए 3 साल के अनुबंध के लिए मुलाकात कर सकता है, लेकिन मौजूदा संकट के कारण इस पर बातचीत अटक सकती है। यूक्रेन भी भारत की कुल जरूरत का करीब 10% उर्वरक की आपूर्ति करता है, लेकिन युद्ध की वजह से वहां से आपूर्ति प्रभावित हुई है। हालांकि सरकार को भरोसा है कि मौजूदा संकट का असर उर्वरक सब्सिडी से इतर अन्य अनुमानों पर ज्यादा नहीं पड़ेगा। अधिकारियों ने पेट्रोलियम सब्सिडी बढ़ाने की संभावना पर कोई बात नहीं करी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।